हे दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त स्टार्टअप बिजनेस आइडिया लेकर, जिसकी शुरुआत इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है। अगर इंडिया में कोई भी इसको शुरू करेगा तो वो करोड़ों रुपए कमा पाएगा। हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा सकता है, क्योंकि एक कंपनी यूके में इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रही है, मतलब स्टार्टअप के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, और उनको करोड़ों रुपए से भी ज्यादा की फंडिंग मिली हुई है। तो अगर इंडिया में भी कोई इसको शुरू करता है और सक्सेसफुली कर पाता है, तो वो भी करोड़ों रुपए कमा पाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको चार स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया था। तो उनमें से इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। देखिए दोस्तों, आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, इसलिए लोग कैश बहुत ही कम कैरी करते हैं, ज्यादातर ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन करते हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आजकल हर कस्टमर के पास दो चार कार्ड तो होते ही हैं, कुछ डेबिट कार्ड होते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं, कुछ अलग अलग कंपनियों के कार्ड भी होते हैं। तो दोस्तों, इंसान के पास जब ज्यादा कार्ड होते हैं तो उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहला, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कार्ड है तो आपको हर एक कार्ड की पिन याद रखनी पड़ेगी, कि इसमें कितनी लिमिट है वो याद रखनी पड़ेगी। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने उसको यूज किया तो आपको ड्यू डेट भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ती है। दूसरी प्रॉब्लम, मान लीजिए दोस्तों आपके कार्ड में अच्छी खासी लिमिट है और आप बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो इन कार्ड्स को यूज करूंगा, तो आपको वो सारे के सारे कार्ड्स कैरी करने पड़ेंगे जो आपको यूज करने हैं। ऐसे पॉसिबल नहीं होगा कि कार्ड आप अपने घर पे रख दो और वहां पे उसको यूज कर पाओ। तो दोस्तों, एनी टाइम आपको कार्ड कैरी करना पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों, मान लीजिए आप बाहर कहीं घूमने गए हुए हैं और सारे के सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके पर्स में हैं और आपका पर्स चोरी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए, उस सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बैंक में और जिन जिन कंपनियों ने आपको कार्ड इशू किया उनको फोन करके कार्ड को ब्लॉक करवाएंगे। अब दोस्तों, मान लीजिए सारे कार्ड को ब्लॉक करवाने में 10 से 15 मिनट का टाइम चला जाता है, और उस टाइम फ्रेम में अगर आपके कार्ड में कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाता है, कुछ भी गलत चीज हो जाती है, उसके लिए लायबल कौन होगा? दोस्तों, उसके लिए लायबल आप ही होंगे। अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड के ऊपर हुआ तो वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, और अगर डेबिट कार्ड में से हुआ तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम होती है। चौथी प्रॉब्लम, अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास चार क्रेडिट कार्ड हैं और एक में 10,000 की लिमिट है, एक में 15,000 की लिमिट है, एक में 20,000 की लिमिट है और एक में 5,000 की लिमिट है, तो टोटल हो जाता है 50,000 रुपया। और आपको कोई एक ट्रांजेक्शन करना है जिसका अमाउंट है 45,000 रुपया। मान लीजिए आपको 45,000 रुपये का कोई सामान खरीदना है, तो क्या आप एक ट्रांजेक्शन में चारों कार्ड को यूज कर सकते हैं? आप नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास लिमिट है फिर भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए Amazon की वेबसाइट के ऊपर आपको एक टीवी खरीदना है जिसका प्राइस है 45,000 रुपीज, लेकिन आपके पास चार क्रेडिट कार्ड है जिसमें टोटल लिमिट है 50,000 रुपया, तो क्या आप Amazon के ऊपर उन चारों कार्ड को यूज कर पाएंगे एक ट्रांजेक्शन करने के लिए? आंसर इज नो। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन दुकान में भी जाएंगे तो दुकान वाला भी आपको मना कर देगा। कोई कोई दुकान वाले होंगे जो आपको हाँ करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम दुकान वाले बोलेंगे हम एक ही या दो ही कार्ड यूज करेंगे, चारों कार्ड यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपके पास लिमिट होने के बाद भी आप उसको यूज नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी बहुत सारी प्रॉब्लम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो अलग अलग कार्ड्स होते हैं उनके साथ जुड़ी होती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप इस स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों, आप सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना होगा जिसके ऊपर कस्टमर्स अपने सारे कार्ड्स को रजिस्टर कर सकते हैं, और सारे कार्ड्स रजिस्टर करने के बाद में आपको उसको एक सिंगल कार्ड इशू करना पड़ेगा जो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। देखिए दोस्तों, अगर कस्टमर बाहर घूमने जाते हैं तो उसको अपने सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जितने भी कार्ड्स हैं उनको कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपका सिंगल कार्ड कैरी करेगा और उसके बाद में उसी कार्ड की मदद से ट्रांजेक्शन कर पाएगा। इसके बाद में दोस्तों, मान लीजिए कस्टमर का पर्स चोरी हो जाता है तो पर्स में सिर्फ एक कार्ड होगा जो आपने प्रोवाइड किया, तो कस्टमर का पर्स चोरी होने के बाद सिंपली उसको क्या करना पड़ेगा, आपकी एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा और कार्ड को ब्लॉक करना पड़ेगा। जैसे ही वो कार्ड को ब्लॉक करेगा सारे कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे, इससे उसका टाइम भी बचेगा और कोई भी गलत ट्रांजेक्शन होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कस्टमर के पास चार क्रेडिट कार्ड है और टोटल लिमिट है 50,000 रुपया और कस्टमर को एक ट्रांजेक्शन करना है जिसका अमाउंट है 45,000 रुपया, तो दोस्तों आपने जो कार्ड इशू किया है उस कार्ड के जरिए एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कस्टमर अपने सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज कर पाएगा, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप एक सिंगल कार्ड इशू कर रहे हैं तो उसकी पिन याद रखना, उसका ड्यू डेट याद रखना, सारी चीजें याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से ये ऑनलाइन पेमेंट करने का सिस्टम आया है तब से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में इसमें बहुत
बहुत ज्यादा फ्रॉड ट्रांजेक्शन होने लगे हैं, तो आपके कार्ड के जरिए ये सारे ट्रांजेक्शन भी बंद हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होना चाहिए कार्ड को लॉक और अनलॉक करने का। तो कस्टमर को जब भी अपना कार्ड यूज करना होगा तभी वो अपने कार्ड को अनलॉक करेगा, अदरवाइज हमेशा उसका कार्ड लॉक रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जो लोग भी ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं, वो लोग निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि कार्ड हमेशा लॉक रहेगा। और जब भी कस्टमर को अनलॉक करना होगा वो तुरंत एप्लीकेशन में जाएगा और कार्ड को अनलॉक कर लेगा। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के थ्रू, और कस्टमर्स कार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या इस आइडिया को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यूके की एक कंपनी है जिसका नाम है कर्व, वो इस आइडिया को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर चुकी है और साथ ही साथ में बहुत सारी फंडिंग भी उठा चुकी है, और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छे लेवल पे वो काम कर रही है। तो इस आइडिया को इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और जो भी इस आइडिया को इंप्लीमेंट करेगा वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप कर्व की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको और भी बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो और कौन से प्रकार की सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो वो सारी सर्विसेज आप अपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया में भी इंक्लूड कर सकते हैं और इंडिया के कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस आइडिया को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। अब दोस्तों, मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं भी है, आपके पास पैसे हैं तो आप किसी वेबसाइट बनाने वाली कंपनी, एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी से प्लेटफॉर्म तो बना लेंगे, लेकिन आपको सारी बैंक और उन सभी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करती है, क्योंकि दोस्तों आपके एक सिंगल कार्ड से सारे के सारे कार्ड ब्लॉक होने वाले हैं। इसके अलावा आपके सिंगल कार्ड से उनके अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं, तो आपका टाइप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपका पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट अच्छा है तो आप इजिली इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप हर एक बैंक या फिर उन कंपनीज के पास जाएंगे जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करती है, तो हो सकता है सब आपको एंटरटेन ना करे। लेकिन अगर आप किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आरबीआई से कॉन्टैक्ट कर ले और वहां से कुछ अगर आपको रिस्पॉन्स मिल जाए तो सारी बैंक को और जो भी कंपनीज इशू करती है तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके कॉन्टैक्ट जितने अच्छे होंगे उतना ही इजीली आप इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगर कोई ये स्टार्टअप बिजनेस आइडिया शुरू करता है तो वो पैसे कैसे कमा सकता है। देखिए दोस्तों, आप कस्टमर्स को तो कार्ड इशू करने वाले हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो भी दुकानदार हैं उनको आप मशीन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको पेमेंट गेटवे की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी कस्टमर आपके कार्ड से ट्रांजेक्शन करेगा तो जो दुकान वाला है या फिर जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनको आप एक सर्टन फीस काट कर देंगे। मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन फीस रखी 1% या 2%, सो जो भी ट्रांजेक्शन का अमाउंट होगा उसका 1-2% काट कर आप मर्चेंट को देने वाले हैं, तो यहां से आपकी इनकम होगी। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई भी कस्टमर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है या आपका कार्ड इंडिया के बाहर यूज करता है तो वहां भी आप अच्छा खासा चार्ज कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी अर्निंग हो सकती है। आप खुद सोचिए, अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने लोगों के पास भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सारे के सारे लोग आपका कार्ड यूज करने लग जाएं, और जितने भी दुकान वाले हैं या जितने भी ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं वो सारे के सारे आपका पेमेंट गेटवे और आपकी मशीन यूज करने लग जाए, तो आप कितने सारे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में स्कोप बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड ऑप्शन भी है जिसके जरिए आप पैसे कमा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसे कमा सकते हैं। देखिए, जब आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक बढ़ने लगेगा तो जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे वो चाहेंगे कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाएं ताकि कस्टमर्स को उनके ब्रांड के बारे में पता चले, तो आप उनसे एडवर्टाइजमेंट फीस ले सकते हैं। इस जरिए से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये स्टार्टअप बिजनेस आइडिया शुरू करते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए। अब दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ये जानना चाह रहा है कि इस स्टार्टअप बिजनेस आइडिया को शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये स्टार्टअप बिजनेस आइडिया 1-2 लाख रुपए में शुरू होने वाला नहीं है। इसके लिए अच्छी खासी फंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वही स्टार्टअप को शुरू कर पाएंगे। फिर भी आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल के ऊपर जो स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज की सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अलग अलग स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज ढूंढकर अलग अलग वीडियोस बनाने का मन करता है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।